सत श्री अकाल दोस्तों, तुसी देख रहे हो डी न्यूज़ पंजाब ते मैं तुहाडा दोस्त ते होस्ट दिलबाग जख्मी। दोस्तों, खेती बिल पास होने तो बाद पंजाब दे विच जिहड़ा रोस प्रदर्शन है वह सिरे ते पहुँच चुक्या है। जिहड़ा लोग ने अजकल जिहड़ा वड्डे वड्डे कारपोरेट घराने ने उन्हां दी जिहड़ियां प्रॉपर्टियां ने पंजाब दे विच जिहड़े बिजनेस ने उन्हां नूं बंद करन दे विच लोगों का जिहड़ा रोस जिहड़ा भग चुक्या। इसे तरह बठिंडा तो तुहानूं तस्वीरां सिद्धियां दिखाउण जा रहे हाँ कि बठिंडा की जी रिलायंस मार्केट है उसनों जोड़ा बंद कर दिता गया है। नौजवानों के वलों रोस प्रदर्शन के दौरान उसका जोड़ा गेट के अगे धरना ला दिता गया है, तो सारी जी रिलायंस मार्केट है उसनों खाली करवा दिता गया। गवर्नमेंट दे खेती विरोधी कानून है, असी उन्होंने वापस कराने लिए यह धरना लाया। इतने असी रोस मार्च किया पट्टी रोड तो लेके इतों तक, जिवें कि तुम देख सकते हो इधर रिलायंस वाले ने आपके दरवाजे बंद कर ले, लोगों की ताकत के अगे बड़े बड़े झुक जाते हैं। असी आपके किसानों के नाल बजुर्गों के नाल आगे, अगे थोनू पता बहुत घट नौजवान जुड़ते थे बजुर्गों के नाल, बजुर्ग ही धरने से आते हैं। हुण असी भी जाने हरेक धरने से जाने, जिते भी अपना किसान यूनियन का धरना हुंदा असी आपके बजुर्गों के नाल। थोनू पता इन्होंने तिने जिहड़े खेती बिल पास किए, तिने मारू आ उन्होंने रिलायंस वालों का, होर जिहड़े बड़े बड़े कारपोरेट रेट घराने आ उन्हां नूं लागू करवाउण दे विच इन्हां दा पूरना हत्था पूरा हत्था इन्हां दा। अज्ज असी मेन साडा मुद्दा इही है, जिहड़े बड़े बड़े कारपोरेट घराने आ मेन अपने पंजाब दे विच रिलायंस आ, इन्हां दे पंप आ, इन्हां दे सिम चलदे, इन्हां दे पंपां तों तेल पवाउणा बंद करो, इन्हां दे सिम जे सिट गए होर सिम लो। BSNL देख लो, इन्होंने जमा घाटे च करती, BSNL की रेंज नहीं आती, वो सरकारी सीगा इन्होंने बंद कराता। कि BSNL 4G नहीं चल सकता, कि BSNL 5G नहीं चल सकता, उन्होंने बिल्कुल बंद करती। असी इत्थे अज लोगों को यही सुनेहा दिंदे आ वी लैं दा पूर्ण तौर पर बाइकाट करो। मैं बठिंडे के लोगों को, पंजाब के लोगों को यही कहना, जिहड़े इन्हां दे वड्डे वड्डे शहरां जहां बने हुए ने मॉल बने हुए ने, इन्हां दा पूर्ण तौर पर बाइकाट करो, तो अपने आम दुकानदारों तो समान लो। तो मोदी सरकार ने जिहड़ा ये अपना बिल लिया गया ये लोगों का एक ही रहा, तो यह जरूर आप जितांगे जंग इहदी जितांगे। लोग जे 10-20 दिन धरने दे के हट गए तो कुछ नहीं पल्ले पैना, किसान भीर लैणा ते बैठे ने अज्ज, कोई टोल प्लाजे ते बैठे ने, तुहानूं पता कल टोल प्लाजे पूर्ण तौर पर बंद करा दे अपने किसानों ने। तो अगे आप संघर्ष जारी रखना, मैं मेरे नौजवान भीरां नूं कहना अहीं अगे आउंदे रहो, आप अपने बजुर्गों के नाल खड़ना। असी सिर्फ किसान जथेबंदी बनियों नौजवानों की जथेबंदियों बनियों कर रहे हैं, किसी संस्था बनियों नहीं, सिर्फ नौजवान सभा अपनी नौजवान यूनियन साढ़े किसानों के नाल असी किसानों बनियों कर रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, आम आदमी पार्टी बनियों जाके अकाली दल किसी कांग्रेस बनियों कोई इतने शामिल नहीं, सिर्फ आम लोग जिहड़े विचों अपने, तुहानू पता हरेक बंदा हरेक पार्टी नाल जुड़िया हुंदा, कोई अकालियां नाल कोई कांग्रेसियां नाल, पर इत्थे असीं सिर्फ नौजवानों वल्लों ते अपने किसानों वल्लों आए हैं, साडे बजुर्गों वल्लों आए हैं, किसी राजनीतिक पार्टी नाल इहदा 1% भी संबंध नहीं। मैं पूर्ण तौर पर इत्थे बैठा अज्ज, मैं बाइकाट करदा राजनीतिक पार्टियां दा अपने किसानों के नाल। असीं रोस मार्च नहीं रखा पट्टी रोड तो लेकर रिलायंस मार्केट तक, इतने असं भाषण सैशन करना सी अंदर, असं अपने मुलायम चलो इन्होंने असं सोचे कि वायलेंस नहीं करनी, आपको कोई इतने वायलेंस नहीं करना, सिर्फ लोगों को एक बार स्नेह देना रोस मार्च करके। बस इतने असं अद्धा घंटा आप लावे, अपना 2 मिनट का भाषण सैशन चलूगा, वो आप लोगों को बस अवेयरनैस करा, यही है थोड़ा पता अगे इन्होंने तो गेट बंद कर ले पहले ही डरते हैं, आपां कोई वायलेंस करके राजी नहीं, कोई गल नहीं, वायलेंस का टाइम आऊगा उदो असीं वायलेंस भी करांगे, फिर उदो गेट भी खिलावांगे असीं वड्डे वड्डे सारा कुछ करांगे। एक इस तरह के जिहड़े नौजवान ने ज़्यादातर वो प्रोटेस्ट दे विच हिस्सा लै रहे पर उन्होंने ज़्यादा नॉलेज नहीं बिलों बारे, उन्होंने भी तुसीं नॉलेज, मैं तुहानूं जिहड़े तिने बिल आ APMC नूं खत्म करदा, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी इन्हां दे खत्म कर देनी आ, उत्थे प्राइवेट कंपनियां आणगियां, पहलां लोग लवा किसानां नूं ओह देणगे, जिहड़े 5-5 किले वाले किसान अपने इन्हां दे लालच च आउणगे, पर हौली हौली तुहानूं पता किसान अवेयर हो रहे आ हुण, इन्हां दे लालच किसे नहीं आउणा, जदों इन्हां ने
मार्केट कमेटी खत्म करती उतों थोड़ा पता आड़ती भी चक्या जाओ मजदूर भी चके जाएंगे उत्थे इन्होंने सारा काम मशीनों ही चलना तो जो अपना दूजा विला शैंसियल कम्युनिट्स का इन्होंने गंढे पे जोड़े वो पहला लिमिट च रख सकते कारपोरेट घराने हूँ इन्होंने कारपोरेट घराने बड़े बड़े स्टोर बना लिया आपके उत्थे जमा कर लिया करे क्योंकि किसानों को जमा करने कोई है नहीं ना छैलर ना कोल्ड स्टोर आ दुबारे महंगे भाव बेचा करेंगे थोड़ा पता पिछे जे प्याजा का की हाल हो जोड़ा तीजा बिल इन्हें कंट्रैक्ट फार्मिंग वाला बनाया ये अमरीका के फेल हो चुका यूरोप कंट्री चल रहा चलो उत्थे चल रहा क्योंकि उसे सबसिडी जा रहे अमेरिका के भी किसान खुदकुशियां करते हैं गल् अगे नहीं आनंद थोड़ा पता बड़े देश अगे नहीं आन देंगे वो तो कंट्रैक्ट फार्मिंग से एक लालच देने लोगों 15 साल उन्होंने करे कंट्रैक्ट करे उदू बाद थोड़े चर बाद कहना सूँ 1 लाख रुपया किले का देवे असं 2 लाख देवे किले का लोग लुभावे फैसले लोगों को सुनाएंगे ये जो बिल वो जे कार करे कंट्रैक्ट फार्मिंग करे किसानों वे थोड़ा कहेंगे भी 1 लाख रुपया थोड़ा किले का दें असं साल का हरेक बंद आए हूँ 4-5 किले चलो आपको वधिया 1 लाख रुपया अपन घर बैठने मिलता पर पिछों इन्होंने टर्म एंड कंडीशन अपलाई की होने कंट्रैक्ट के उत्थे किसान कोई आवाज़ नहीं ठाकते ये कहेंगे फसल अच्छ माड़ी हुई है सानू घाटा हो गया सानू ए हो गया ये अलग अलग बहाने लाएंगे ये तरह तरह के बहाने लाएंगे तो लोगों को कहेंगे 30,000 लेना ऐ लेना ये लोगों का शोषण करेंगे पिछों आके तो थोड़ा पता अगे जिवें टोल प्लाजे लगे पंजाब सड़क साढ़े पंजाब दी हरिमंदर साहब नूं दरबार साहब नूं रोड जाती है इधर चंडीगढ़ राजधानी नहीं जाती है सारे लोग हरिमंदर साहब जाते हैं सारे लोग चंडीगढ़ जाते हैं टोल ला रखे इन्होंने 5 टोल लाते मैं कितने नहीं देखा भी 220-230 किलोमीटर के टोटे च 5 टोल हो लेंदे भी 90-90 रुपये एक तो चलो कितना कितने मैं 5-10 रुपये तक सहमत हाँ चलो प्राइवेट कंपनियां बनाया उन्होंने कोई माड़े मोटे कमाने 5-7 रुपये तक मैं सहमत हाँ जो 10-20 रुपये तक चंडीगढ़ तक लगने सहमत हाँ तो इन्होंने पर थोड़ा पता 90-90 रुपये लेंदे आए इधर मानसाली सड़क से भी घूम कल ढपाई को इन्होंने हूँ टोल प्लाजा लाता उत्थे पंजाब सरकार आ जी वो पूर्ण तौर पर इन्हों पक्ष चा उन्हें कह के लवाया कि लोग डिवर्ट हो गया ट्रैफिक उधर नूं जा रहे हैं असी अज बतौर यूथ बन के बतौर एक शहर के नागरिक बन के एक पंजाब के नागरिक बन के आए हैं असी पार्टीबाजी तौर पर नहीं आए क्योंकि जिहड़ा साडा यूथ है सानू बड़ी खुशी है कि वह जिहड़ा है सड़कों उपर उतरा है उन्होंने समझ लग गई है कि मोदी सरकार जां अबानी अडानी साडे देश विच की कर रहे हैं इस गल की सानू बड़ी खुशी है सो असी सारे अज इत्थे एक नागरिक होने के नाते शमूलियत की है जिहड़ा रिलायंस के खिलाफ प्रोटेस्ट अज किया असी मॉल के खिलाफ रिलायंस मॉल के खिलाफ प्रोटेस्ट किया सो सानू असी भी कहने कि जिहड़ा यूथ है वह आना चाहिए और जो अबानिया अडानिया ने जो पंजाब में खरीदने के जो अगले तरीके बनाए है उन्होंने खत्म कराने लिए असी उन्हों का बाइकाट करते हैं क्योंकि मोदी सरकार बन का एक कारण से कि अबानी अडानी उन्होंने रले हुए थे मोदी को प्रधानमंत्री चेहरा भी लिया गया कि अबानी अडानिया ने उन्होंने हाथ मिलाया हुआ इस करके अडवानी उन्होंने पिछले किया गया सो हूँ अबानिया अडानिया ने जिन्ना मोदी कर रहा चाहे उन्हें पंजाब मारना पैजे किसान मारना पैजे यूथ मारना पैजे कोई इस गल तो पिछले नहीं हटेंगे पर पंजाब के लोग साडा यूथ साडा किसान असी सारे इकट्ठे हैं और इन्हों के खिलाफ असं डट के लड़ते रहे बिल्कुल रिलायंस का पूर्ण बाइकाट होना चाहिए और इन्हों के सिम सुम जे सारे कढ़ देने चाहिए इन्हों का कोई समान नहीं खरीदना चाहिए इन्हों के पंप पेट्रोल पंप तो बिल्कुल तेल नहीं पाना चाहिए क्योंकि सारा पता साडे यूथ नूं साडे पंजाबियों नूं साडे हिंदुस्तानियों नूं कि अबानी अडानिया के प्रोजेक्ट आ सारे और अबानी अडानी साडे पंजाब नूं साडे हिंदुस्तान नूं बर्बाद करना चाहते हैं देखो जी जिहड़ियां कुछ सियासी पार्टियां ने मते पास करवाए है वह एक किदां हो जाणगियां अज जिवें बादल परिवार ड्रामा कर रहा उन्होंने जिहड़ा कैबिनेट मंत्री हरसिमरत कौर उन्होंने तो पास करवाया मते और कांग्रेस का पूर्ण हाथ है ये असी बीइंग पार्टी शामिल नहीं हो अज बतौर यूथ बतौर बठिंडे नागरिक बतौर पंजाब के नागरिक हिंदुस्तान के नागरिक असं इन्हों अज खड़े हैं और रिलायंस के अगे धरना दिता गा और इन्हों का पूर्ण बाइकाट करना चाहिए इन्हें सिमां का बाइकाट करना चाहिए इन्हें पंपों का बाइकाट करना चाहिए सानू बड़ी खुशी है कि पंजाब का यूथ जाग चुकया पंजाब के यूथ को पता लग गया कि साडे पंजाब नू साडे देश नू कौन बर्बाद कर रहा है असं हमेशा यूथ के नाल खड़े हैं।